bismillahirrahmanirrahim alaikum. i hope you all are fine and staying safe and happy i am your social study teacher Ms. farheen and i welcome you all to your social study class my dear students as you know that we are on unit number Five, that is geography and today we will start its part four that is population, and the lecture that uh, will be delivered today is lecture number twenty six. So my dear students, uh, this uh, in today's lecture the students will be able to define the term growth rate and population density. So my dear students, let's start today's lecture with an activity. So uh, ask the students to take how uh, uh, that how do we know the population of a certain area? So my dear students, agar ham kisi एक फिक्स्ड एरिया की पॉपुलेशन जो है उसको जानना चाहते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कैसे आपको पता चलेगा कि लाहौर में कितने लोग रहते हैं या पाकिस्तान में कितनी आबादी है कैसे पता चलेगा आपको देर इज अ टर्म दैट इज नोन या एक पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू पॉपुलेशन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है दैट इज कॉल्ड पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी सेंसेस वेरी गुड यानी कि मरदमशुमारी के, के जरिए हम क्या कर सकते हैं हम किसी भी जगह की पॉपुलेशन के बारे में कितनी एज आ, के लोग एक फिक्सड एरिया में रहते हैं वेदर दे आर एम्प्लॉयड और नॉट ये तमाम स्टेटिस्टिक्स जो हैं ये हमें सेंसेस से पता चलते हैं ओके माई डियर टीचर्स अब आपने क्या करना है बच्चों को आपने एक पीस ऑफ पेपर देना है एंड आज तेम टू राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंसेस यानी कि हमने शुमारी की हमें क्यों जरूरत पड़ती है क्या जरूरत है इस चीज़ की सो so, जल्दी से आपने अब क्या करना है वीडियो को पॉज करना है और आपने सेंसेस की इम्पोर्टेंस जो है उसको लिखना है आई होप कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं क्योंकि आप ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं सो सेंसिस से क्या होता है सेंसिस से हमें एक तो ये पता चलता है कि किस जगह पे किस कंट्री में किस सिटी में किस प्रोविंस में कितनी आबादी है और किस जगह पर कितनी ज़्यादा या कितनी कम आबादी है हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि कितने लोग जो है हमारी आबादी में से कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं यानी कि हमें लिटरेसी रेट के बारे में पता चलता है इसके अलावा जब हम सेंसस करवाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लोगों का मटेरियल स्टेटस क्या है whether they are married unmarried how many childrens they have uh, what age group they belong to इन चीजों के बारे में पता चलता है इसके अलावा कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, हमें इस बारे में भी पता चलता है कितने लोग टैक्स पे करते हैं हमें इस बारे में भी पता चलता है एंड वी आल्सो गेट टू नो कि ग्रोथ रेट क्या है हमारा 10 सालों का क्योंकि हर दस साल बाद पाकिस्तान में मरदमशुमारी होती है तो हमें टेन ईयर्स के ग्रेथ ग्रोथ रेट के बारे में पता चलता है कि दो अगर सत्रह में इतनी आबादी थी तो अगर अब हम आ, आ, दो हज़ार सत्ताईस में जब हम या दो हज़ार छब्बीस में जब हम मरदमशुमारी करवाएंगे तो तब से अब तक कितने ज़्यादा जो है फीसद हमारी आबादी जो है वो ज़्यादा हुई है तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें इन चीज सेंसेस से या मर्दम शुमारी से पता चलती हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके अलावा हमें uh, जो हकूमत है उसको अपने रिसोर्स के बारे में पता चलता है कि अगर मेरे मुल्क की आबादी इतनी है तो आया मेरे रिसोर्स जो हैं वो इनफ़ है केटर ऑल द पब्लिक ऑफ अ सर्टन एरिया सो इन तमाम चीजों के बारे में हमें कैसे पता चलता है सेंसस की वजह से हम इन चीजों को अपडेट करते रहते हैं ओके डियर स्टूडेंट सो नाउ लेट्स क्विकली मी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड द प्री रीडिंग क्वेश्चन सो क्विकली टेल मी व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान बाईस करोड़ आपने सुना ही होगा तकरीबन 22 से 23 के दरमियान जो है पाकिस्तान की आबादी है अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस एंड विच प्रोविंस इज द मोस्ट पॉपुलेटेड इन पाकिस्तान जल्दी से बताएं वेरी गुड पंजाब इज द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो क्विकली ओपन पेज नंबर नाइनटी इन योर सोशल फाइव बुक्स

सो द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे द रेट ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन ए गिवन टाइम इज़ कॉल्ड ग्रोथ रेट एवरी टाइम एवरी थ्री मिलियन पीपल इंक्रीज टू द वर्ल्ड ईच ईर इन 1800 हंड्रेड एडी दर्ल्ड पॉपुलेशन वाज़ वन बिलियन एंड करंटली इट हैज़ रीच टू 7.8 बिलियन सो माई डियर स्टूडेंट्स अब आप क्या चीज़ है कि यानी कि आबादी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ बढ़ रही है तो यही जो आबादी का बढ़ना है विद द टाइम That is called growth rate. Simple. So the increase in the population with the time is called growth rate. So आबादी जो है वक्त के साथ साथ बढ़ रही है यानी कि आप अगर 1800 एटीन हंड्रेड एटी में ए डी में दुनिया की आबादी जो है वो कितनी थी वो वन बिलियन थी और आज दुनिया की आबादी कितनी है इट इज़ सेवन पॉइंट एट बिलियन सो आप देखें कि विद द टाइम द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ रेट Now, what is population density? The number of people residing in an area per square kilometer is called population density. So, my dear students, जो लोगों की आबादी एक square kilometer में रह रही होती है that is called the population density. यानी कि अगर आप आबादी जो है एक जगह की आप उसको निकालें और आप उसके बाद यानी कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की आबादी जो है वो 22 करोड़ है तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी आबादी होगी सो so, वो दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी इसके अलावा हायर द नंबर ऑफ पीपल इन अ पर स्क्वायर किलोमीटर मींस हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया सिमिलरली अ लोअर नंबर ऑफ पीपल इंडिकेट्स अ थिनली पॉपुलेटेड एरिया और लो पॉपुलेशन डेंसिटी सो माई डियर स्टूडेंट्स इसी को फिर आगे पॉपुलेशन डेंसिटी को जो पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं उसको हमने दो चीजों में डिवाइड किया दैट इज दैट इज कॉल्ड डेंसली पॉपुलेटेड और हाई डेंसिटी एरिया और लो डेंसिटी और थिन डेंसिटी जो है उसको हम इस तरीके से थिनली पॉपुलेटेड एरिया कह सकते हैं सो फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग जो हैं वो मौजूद हैं अब अब अगर आप यहाँ पर देखें तो कौन सा थिनली पॉपुलेटेड थिनली पॉपुलेटेड एरिया है और कौन सा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया सो दिस एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड एंड दिस इज थी पॉपुलेटेड एरिया ये पाकिस्तान का मैप है जो के पर स्क्वा किलोमीटर पे पाकिस्तान की uh, जो है वो डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी को शो कर रहा है सो so, अगर आप यहाँ पे लेजेंड को देखें तो आप बासानी बता सकते हैं कि जो एरियाज लाइट कलर में है मार्क हुए हुए दे आर डेंसली पॉपुलेटेड और थिनली पॉपुलेटेड दे आर थिनली पॉपुलेट यानी कि वहाँ पॉपुलेशन पर स्क्वा किलोमीटर कम है इसके अलावा जहाँ पे डार्क कलर्स हुए हुए हैं दिस यू कैन सी दीज आर एक्सट्रीमली पॉपुलेटड एरियाज ऑफ पंजाब ये पंजाब के एरियाज हैं वेयर एज खैबर पख्तनखा में ये वाला जो एरिया है इट इज़ वेरी मच पॉपुलेटेड करा सिंध में ये जो एरियाज हैं दीज आर डेंसली पॉपुलेटड ये भी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं सो so, इस तरीके से और जो ग्रे कलर से एरिया मार्क हुए हैं इसका मतलब है उनका डाटा जो है वो अननोन है या कन्फर्म्ड नहीं है सो so, इस तरीके से पर स्क्वायर किलोमीटर में आप जो पॉपुलेशन निकालते हैं दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी अगर वो पॉपुलेशन ज्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से तो दैट इज ओवर पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड एंड इफ इट द पॉपुलेशन इज लेस दैट मीनस इट इज थिनली पॉपुलेटेड एरिया सो वट इज द करेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 7.8 billion okay my dear students for practice uh, you will do reset in analysis number 6 uh, area of lahore is 17 uh, um, 1772 kilometers square in 2017 census the population of lahore was recorded वन करोड़ इलेवन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी फाइव सो माई डियर स्टूडेंट्स अब आपने पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पंजाब की सॉरी uh, लाहौर की वो रिकॉर्ड करनी है कि लाहौर में पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं सो so, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या है कि आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे पता चलेगी आपने नंबर ऑफ पीपल जो है डिवाइडेड बाय लैंड एरिया दिस एरिया सो पर स्क्वायर किलोमीटर लाहौर में कितने लोग रहते हैं 6300 लोग जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर जो है वो रहते हैं। जो पर स्क्वायर किलोमीटर रह रहे हैं सो यू कैन प्रैक्टिस दैट इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट होमवर्क के लिए मिलेगी दिस वर्कशीट नंबर ट्वेंटी सिक्स यू केल्फ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो प्रिंट फॉम बायो टीचर So what is the total population of the world? It is 7.8 billion. What is the growth rate? So the increase in population with the time is known as growth rate. What is population density? um uh, Population density is the people living per square kilometer is known as population density. So what is the population density of Karachi? So total area of Karachi, which is 3,527 km square, or population of Karachi, which is given. Hai. So formula kya hai population density ko uh, calculate. Total population divided by the area, so you can calculate the uh, population density per square kilometer. So, this is how you will calculate it. I have done analysis of research analysis. Now, you will practice it for the Karachi population. So, pause the video and quickly complete it. I hope everybody has done it. Now, let's quickly move forward towards the wrap up. The growth rate is the increase in population. Uh, with the increase in time, whereas the number of people residing in uh, per square kilometer of area is known as the population density. So, my dear students, uh, uh, in the next lecture, we will discuss about the factors affecting population in Pakistan. Uh, I hope uh, you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.